आज फिर हम वापस जंतर मंतर पर आ गए हैं। आज जिस कानून के खिलाफ हम इकट्ठा हुए हैं, वो कानून केवल दिल्ली सरकार की ताकत को रोकने का कानून नहीं है, वो इस बात को रोकने का भी कानून है कि केजरीवाल जी का जो मॉडल है गवर्नेंस का, वो गुजरात में आगे ना बढ़ पाए, वो उत्तराखंड में आगे ना बढ़ पाए, वो पंजाब में आगे ना बढ़ पाए, वो उत्तर प्रदेश में आगे ना बढ़ पाए। ये कानून इसलिए नहीं बना रहे कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ उनकी ताकत कम करनी है, हमारी मंत्रियों की ताकत कम करनी है। ये कानून इसलिए बना रहे हैं, आप जो ये बढ़ते चले जा रहे हो, हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में रत्नेश भाई पहुंचे तो वहां पे आम आदमी पार्टी की टोपी लगाए कार्यकर्ता पहले से खड़ा था, बोले जी हम तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कब केजरीवाल जी का आदमी आए और हम वोट लगाए, और जाके वहां अब वोट मिलने लगा, वहां पे चुनाव जीतने लगे आम आदमी पार्टी के लोग, इससे घबरा रहे हैं। ये कानून से दिल्ली की ताकत को रोकने का कानून नहीं है, ये आम आदमी की बढ़ती ताकत को और पूरे देश में आम आदमी के विश्वास को, जो केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल में उनका बढ़ रहा है, केजरीवाल जी की राजनीति में उनका बढ़ रहा है, इसको रोकने का कानून है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, आप सबसे बात करके, आप सबसे प्यार आशीर्वाद देके, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिल्ली विधानसभा में ऐतिहासिक देशभक्ति बजट पास हुआ। ये कानून उस देशभक्ति बजट के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी जो कानून लेके आ रही है वो देशभक्ति के खिलाफ। ये कानून नहीं चाहता, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि दिल्ली में 2047 में केजरीवाल जी इस तरह से काम करते रहे कि 2047 में ओलंपिक खेल करा लिए जाए दिल्ली में। ये नहीं चाहते कि 2047 में, अभी बजट में मैंने कहा कि सपना देखो 2047 में, हम तो जिंदा भी होंगे कि क्या होंगे पता नहीं, लेकिन आज जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 25 साल बाद नौजवान बन के देश में खड़ा होगा, दिल्ली में खड़ा होगा। हमने कहा सपना देखो और उस पे काम करना शुरू करते हैं कि आज जो बच्चा 1 साल का 2 साल का 3 साल का है, 25 साल बाद वो नौजवान बन के खड़ा हो दिल्ली का, दिल्ली की युवा शक्ति बन के खड़ा हो, तो उसकी इनकम सिंगापुर के में बैठे हुए उसके नौजवान की इनकम के बराबर होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि आज से 25 साल बाद भी सिंगापुर जैसी इनकम हमारे नौजवानों की हो, ये इसके खिलाफ कानून लेके आए। ये जो कानून लेके आए हैं, ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े आगे, ये नहीं चाहते हैं कि हमारे अस्पताल ठीक से काम करें। 75 साल में महिलाओं को अलग से मोहल्ला क्लिनिक बनाने का कहीं नहीं सोचा गया, कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने का नहीं सोचा गया। केजरीवाल जी सोचते हैं कि महिलाओं के लिए अलग से मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाए। ये जो कानून ला रहे हैं, ये महिला मोहल्ला क्लिनिक को रुकवाने का कानून है, क्योंकि इनको पता है कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर केजरीवाल जी ने कहा है कि महिलाओं के लिए 100 अलग से क्लिनिक बनेंगे तो ये करके दिखाएंगे। इन्होंने कहा है कि 2047 में ओलंपिक दिल्ली में होंगे तो ये करके दिखाएंगे। इन्होंने कहा है कि 2047 में हर एक नौजवान की आय, उसकी इनकम सिंगापुर के नौजवान के इनकम के बराबर होनी चाहिए, तो ये करके दिखाएंगे। ये कानून भारतीय जनता पार्टी इसलिए लाई है क्योंकि केजरीवाल जी फैसला लेते रहे, इनके मंत्री फैसला लेते रहे, तो निश्चित रूप से चीजें आगे बढ़ जाएंगी। इसको रोकना है, इसको ये रोकना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आगे पढ़े, ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ नौजवानों को रोजगार मिले, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ गए और नौजवानों को रोजगार मिल गया तो इनके घनचक्कर बनाने के चक्कर में कोई नहीं आए।